आपके लिए नया रिव्यू लेके आए एक जुजुत्सु काइसेन का, और ये पॉइंट्स में डिवाइडेड होगा, तो देखो मजे कीजिए, एंजॉय। और पहला रिव्यू अपने भाई देंगे, तो स्टार्ट करते हैं। भाई क्यों देखनी चाहिए जुजुत्सु काइसेन? क्या है उसमें, ऐसा है क्या, क्या क्या घुस रहा है उसमें, हमें क्या है सचिन में, क्या है सचिन में, क्या है सचिन में? लास्ट तक लगे रहना, एंड तक बताते हैं क्या है इसका। पहला पॉइंट रखते हैं VFX का। भाई VFX देखो मापा ने बनाया है, बढ़िया ही है एकदम गजब। और फर्स्ट सीजन में जो अपने विलन थे, भाई था विलन सुकुना जी, बैडेस्ट वन। भाई देखो सुकुना है, अभी जो चल रहा था सीजन 2 का वो चल रहा है आपका, क्या नाम है, गोजो। और भाई साहब केचो केचो सीधे। भाई ये अभी VFX का तो देखो यही वाले था, बट भाई मेरे हिसाब से जो समर में ये एनिमे आए हैं डीमन स्लेयर आया है और ये जुजुत्सु काइसेन चल रहा है, तो डीमन स्लेयर का जो VFX है भाई वो कुछ नेक्स्ट लेवल पे ही है भाई। डीमन स्लेयर भाई पार रहा है भाई, लेकिन हाँ जुजुत्सु काइसेन भी ऐसा मान लो ऐसे इतना इतना नीचे जुजुत्सु काइसेन अगर यहाँ तो, लेकिन हाँ चल रहा है, सही चल रहा है। तो अब सेकंड पॉइंट पे आते, सेकंड सीजन की जो पहली आर्क है उसका नाम है हिडन इन्वेंटरी आर्क, जिसमें हमें ये जर्नी दिखाई जाती है कि गेटो जब गोजो का दोस्त होता है फिर वो उससे विलन कैसे बन गया। क्योंकि सीजन 2 देखने से पहले आपको एक मूवी आई है जुजुत्सु काइसेन 0 वो देखनी पड़ेगी, उसमें विलन था गेटो जो कि गोजो का बहुत बेस्ट फ्रेंड होता है। बट हमने भी अक्सर देखा यार वेब सीरीज और मूवीज वगैरह में दोस्ती दुश्मन निकल जाता है, तो उसमें बताई जाती है गद्दारी करने वाली बात हो जाती है, तो उसमें बताया गया है कि विलन कैसे बनता है गेटो जबकि इतने अच्छे दोस्त होते हैं। और जो हिडन इन्वेंटरी आर्क उसमें शुरू के 4 एपिसोड में बताई जाती है काफी मतलब सीक्रेट चीजें हैं कि गोजो की क्या ताकत है, गोजो कैसे सबसे ज्यादा पावरफुल बना, कैसे गोजो ने रिवर्स कर्स्ट टेक्निक सीखी और गेटो कैसे विलन बना। तो भाई इसमें एक और चीज है कि इस सीजन 2 का नाम हिडन इन्वेंटरी आर्क क्यों रखा गया, इसके 5 एपिसोड जो आए हैं उनका नाम हिडन इन्वेंटरी आर्क क्यों रखा गया, मेन चीज है। तो अगर तुम देखोगे कि तोजी के पास एक कर्स स्पिरिट थी और उसमें वो कर्स टूल रखता था अपने सारे, तो वो एक तरह से हिडन इन्वेंटरी का काम करता था उसके लिए, इसी वजह से इस पूरे सीजन इस पूरे 5 एपिसोड्स का नाम हिडन इन्वेंटरी आर्क रखा गया। तो एक बात कर लेते हैं, जो सीजन में अभी तक विलन दिखाए गए हमारे तोजी मास है, बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स इंस्पिरेशन लेते हैं इनसे। और भाई तोजी ने कैसे गोजो को मार दिया और गेटो की सारी स्पीड्स की बाट लगा दी, सबसे ताकतवर स्पीड्स की बाट लगा दी, कैसे वो कर्स टूल यूज कर पाता है, क्या है भाई इन्फॉर्मेशन बताएंगे। तोजी का इकलौता ऐसा बंदा जिसने बिना पावर के बिना क्या नाम है भाई साहब सॉर्सरर सुप्रीम होने के बाद भी एक टच मार ली दुनियादारी, और हेवनली रिस्ट्रिक्टेड था, मतलब इसका मतलब नहीं पता, इसका मतलब मैं बता देता हूँ, तो व्यक्ति जादू नहीं कर पाते और उन्हें एक हेवनली रिस्ट्रिक्टेड पावर मिलती है जब वो पैदा होते हैं, तो एक सुपर ह्यूमन की तरह पावर होते हैं, सुपर ह्यूमन वाली स्ट्रेंथ होती है उनमें, इसी उसपे भाई साहब उसने गोजो की ना एक बार में कर दी भाई के पास इमोशनल डैमेज। वो जो अपनी इन्फिनिटी शील्ड ऑन रखता था जिसकी वजह से दिमाग पर बहुत ही ज्यादा असर पड़ता था उसको, इस कारण जब बहुत ज्यादा वीक हो गया वो अपनी क्या नाम है इन्फिनिटी शील्ड ऑन करते करते जब वार करा, जब उसकी इन्फिनिटी शील्ड बहुत ज्यादा कमजोर होगी अगला आदमी अधमरा ही कर दिया। डेनन क्लैन से था, डेनन क्लैन से निकाला भी गया, और डेनन क्लैन बताएंगे भाई ये क्या है। ये हमारा पॉइंट नंबर 4। भाई जुजुत्सु काइसेन में दो तरीके के लोग दिखाए गए, एक तरीके से मतलब क्लैन ही कह लो आप, एक तो जेनिन क्लैन है और एक जुजुत्सु सॉर्सरर्स है। तो जो जुजुत्सु सॉर्सरर्स है वो कर्स टेक्निक को यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपने अंदर से निकाल भी सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेनिन क्लैन के जो लोग रहते हैं वो हेवनली रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं। अब हेवनली रेस्ट्रिक्टेड ऐसे नहीं कि एक तरीके से रहेंगे, जिस तरीके से तोजी था जैसा भी भाई ने बताया, उसको कर्स स्पिरिट्स दिखाई देती थी, उसको नहीं दिखाई देती थी। जैसे कि सीजन 1 में एक कैरेक्टर है माकी को कर्स स्पिरिट्स दिखाई नहीं देती, वो चश्मा लगाती थी देखने के लिए। बट एक इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं, जो हेवनली रेस्ट्रिक्टेड होते हैं जेनिन क्लैन के लोग, उनमें अलग पावर्स दी जाती हैं। जैसे कि तोजी को बहुत ज्यादा सुपर स्पीड थी, सुपर पावर थी, दिमाग बहुत तेज चलता था, ऐसे ही माकी में भी सुपर स्ट्रेंथ है। अब एक तरीके से आप मान लो कि जो यूजी इतादोरी है सकुना का वेसल है, उसमें भी नॉर्मल इंसानों से ज्यादा ताकतवर थी, जब सकुना ने इंटेक करा उसकी बॉडी पे उससे भी पहले उसमें ताकत थी। तो मेरा सोचना तो ये है कि वो भी शायद जेनिन क्लैन से है, उसके कोई रिलेशन में, बट उसे पता नहीं है। गोजो बताएंगे, गोजो भाई बताएंगे वो चीज। पॉइंट नंबर 5 देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 5 देखते हैं भाई बताएंगे। तो भाई पॉइंट नंबर 5 आता है मास्टर टेंजिन के बारे में। तो मास्टर टेंजिन कौन है? मास्टर रहसीना, मास्टर रहसीना, मास्टर टेंजिन बहुत सुंदर रसीना जो 1200 साल से ज्यादा से जीवित है,
और उन्हें ना एक तरह से कहा जाता है कि वो फाउंडर जब जुजुत्सु काइसेन फाउंड हुआ था ना उसमें वो थे, मतलब तब बड़ा हाथ है, बड़ा हाथ है उनका, और वो एक कर्स स्पिरिट है, ह्यूमन कर्स स्पिरिट, जैसे सुकुना है ह्यूमन स्पिरिट, वो इवल है लेकिन वो मास्टर टेंजेंट अच्छा गुड साइड में है, और वो उन्हें एक वेसल चाहिए, जैसे सुकुना को एक वेसल चाहिए अपने जिंदा रहने के लिए, ऐसे ही उन्हें मास्टर टेंजेंट को भी एक वेसल चाहिए, जैसा कि हमें दिखाया गया सीजन 2 में उन्हें स्टार प्लाज्मा वेसल, उनका नाम स्टार है जिसके कारण एक और नई ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हुई जिसका नाम है स्टार प्लाज्मा वेसल, आपने देखा होगा सीजन 2 में पार्ट जितने पार्ट है उसमें लिया गया है इसका नाम रिको की बजाय थी रिको की बजाय थी, जिसमें उन्हें एक डीटी की तरह माना जाता है, गॉड की तरह माना जाता है मास्टर टेंजेंट को, और इसी के हिसाब से चलते रहते हैं, और अब अभी जो इसमें दिखाया गया है उनका जो वेसल था रिको, लेकिन तोजी उसे खत्म कर देता है जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल पाते मास्टर टेंजेंट, लेकिन आगे बताया जाएगा कि कैसा होगा उनका, कैसा चला और फाउंड हो गया स्टार फाउंड हो चुका है, फाउंड स्टार फाउंड हो चुका है वो तो बताया गया है, लेकिन अब आगे बताया जाएगा कैसा होगा उनका क्या। भाई मेरे को तो मतलब ऐसा लग रहा है कि गोजो को मार दिया था, और हमने सीजन 1 में जो 2018 की स्टोरी चल रही है और उसमें बताया जा रहा है गोजो सबसे ऊपर है, सबसे ज्यादा ताकतवर है, तो ऐसा तो है नहीं यार, देखो जो टेंजन है उसमें कुछ शक्तियां होंगी नहीं, पक्का होगी, तो मेरे को लग रहा है कि टेंजन जी ने गोजो में ही पास कर लिया है, मुझे भी यही लग रहा है, क्योंकि गोजो इस टाइम सबसे ताकतवर है, किसी से हार नहीं सकता, बट मैं ट्राई टू डू माई फाइट देखने के लिए वन एंड ओनली सकुना और गोजो की मजे ही आ रहे हैं, जब भाई सकुना के पास सारी ताकत है, अभी अभी तो बहुत टाइम लगेगा उसे। क्वेश्चन बस भाई यही है, गोजो और गेटो क्यों गए थे रिको को लेने, रिको को लेने गए थे, रिको की लेने गए थे क्योंकि भाई एंड में तो मर गई, एंड में तो मर गई थे लास्ट में, यही दिन है ये फैमिली के लिए, फैमिली के साथ देख सकते हैं, तो इसमें ऐसी बात नहीं करे जाएंगे, क्यों देखनी चाहिए, इसका आंसर यही है कि देखो स्टोरी लाइन बहुत बढ़िया है, इजी नहीं और इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आप समझ ना सको, अदर एनिमेज की तरह इसमें कॉम्प्लिकेटेड होते चले जाते हैं, आप कंपेयर करोगे भाई एओटी से, आप कंपेयर करोगे डीमन स्लेयर से, तो हाँ वो स्टैंड थोड़ा नीचे करती है, अभी नई स्टार्ट हुई है, लेकिन अगर आप ऐसा चांस दो भाई, नए बंदे को चांस देना चाहिए, बहुत नहीं चांस के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत बेहतरीन एनिमे है, अगर तुम फर्स्ट एनिमे देख रहे हो तो भाई आपको ऐसा लगेगा कि क्या देख लिया मैंने भाई, क्या देख लिया दुनिया में, गोजो से लव हो जाएगा, देखो बातचीत ये है, चांस देगा देखो, अगर बढ़िया ना लगे तो कमेंट में एक आधी गाली दे देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट चांस देकर देखो, फॉर श्योर आपको बढ़िया लगेगी, हमारी तरफ से भाई, हमारी तरफ से भाई 10 में से 9 स्टार है, हमारी तरफ से तो मेरी तरफ से 10 में से 5 स्टार है, 8 स्टार है मेरी तरफ से भाई, भाई अभी के लिए यही है, मेरा नाम है यतिन आदित्य, मेरा नाम आकाश, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और बाय बाय।